Hello, good evening all of you. How are you guys doing? I hope you guys are doing well. I wish you all a very happy Holi. Everybody, how are you guys doing? Can you guys see me? Can you guys hear me? Am I audible to you? Am I visible to you? Jaldi se bata do mujhe. Can you guys see me? Can you guys hear me? Hello, hello, hello everybody. Hello, Bachchabadi. I wish you all a very happy and colorful Holi. Can you guys see me? Can you guys hear me? Hello, everybody. Yes, we are live. Good evening, everyone. Yeah, we are live, Bachchabadi. Jaldi se aa jao sab log. We are starting with the class. जल्दी से आ जाओ सब लोग शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट ऑफ शुड विजार्ड हिट मॉमी वी गोइंग टू रीड अबाउट यस 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 जल्दी आ जाओ सब लोग हेलो एवरीबॉडी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी से बता दो मुझे कौन लोग चैट बॉक्स में हैं यार जल्दी बता दो मुझे कमेंट करके हैप्पी होली एवरीवन वंडरफुल वंडरफुल होली कलरफुल होली चलो लेट्स प्ले होली है ना थोड़ा इंग्लिश की होली भी खेल लेते हैं वर्ड्स की होली खेल लेते हैं हेलो मोहित मेरे मुंह पे क्या लगाया मैंने कलर लगाया मैंने कलर आज होली है हैप्पी होली ओके हेलो गुड इवनिंग रॉयल जटनी हेलो वंशिका हेलो मोहित हेलो वैष्णवी हेलो मोहित हेलो वंशिका हेलो निशिका Good evening, happy Holi everyone. So this is for you guys. No, I didn't play Holi, but yeah, this is for you guys. I wish you all a very happy and colorful Holi. All the best to all of you. Jaldi se start karte without wasting further time. Wish you all a very happy and colorful Holi, everybody. Jaldi se aajo sab log. Yes, we are live. और आज आपका एक एमसीक्यू सेशन भी रखा है मैंने एनिमी का और साथ में रखा है मैंने शुड विजार्ड हिट मॉमी का तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है ताकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सको ठीक है हेलो मनीष हैप्पी होली मनीष हाउ आर यू स्टार्ट करें सब लोग रेडी हैं हाँ जी वेलकम टू द क्लास एवरीवन This is your educator, Dr. Kritika Sabharwal. Welcomes you all here on your very own channel, that is Unacademy 11th and 12th. I have done my dental surgery course and I've done my education in dental surgery. Hello, Sayan. Hello, Rahul. Hello, Saksham. Hanji. So, yes, I've taught more than thousands of students and students and produced wonderful results. Now, it is your turn to get your mission 100. And don't worry, I was sorting out your sample papers and everything for April. So yes, सब लोग एकदम रेडी हो जाओ रेडी स्टडी गो अप्रैल में बहुत कमर कस के पढ़ाई करेंगे ठीक है दैट्स द फर्स्ट थिंग किसी ने रंग नहीं लगाया ओहो तो livedaily.me/chat दिस इज द आपका टेलीग्राम चैनल इस पर फटाफट जुड़ जाओ मुझे भी किसी ने रंग लगाया वाज जस्ट पुटिंग ऑन द स्टिक ऑन सो दैट वो होली का थोड़ा फील आ जाए राइट आपको मिलते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में लाइव क्लासेस यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर यू विल हैव लाइव पोल्स यू विल हैव लीडर बोर्ड्स एंड यू विल हैव लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन ठीक है तो ये सारी चीजें मिलती हैं आप लोगों में लगा लेती हूँ इसको थोड़ा होली वाला फील आ रहा है ना थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप यस डेफिनेटली राइट बड़ा फटाफट अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जिसने भी डाउनलोड नहीं करा है फटाफट डाउनलोड कर लो इसको है ना फटाफट डाउनलोड कर लो एंड यू कैन टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑल्सो All right, you can manage your goal, whatever class you are in, you can take the subscription. Yeah, one month ka 4050. अगर आप ये वाला कोड लगा लेते हो आपको मिलता है 10% off. ठीक है? हाँ मोहित, it's not fair. I understand. चलो good, that is good. ठीक है? फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को यार यू कैन क्रैक योर बोर्ड एग्जामिनेशन विद अनअकैडमी बिकॉज आपको मिलते हैं अनअकैडमी पे लवली लवली एजुकेटर्स आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स इंडिया के साथ में मिलते हैं आपको क्रैश कोर्सेज रिविजन बैचेस साथ में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैप्पी होली अंजलि हेलो साक्षी
यस, स्टार्टिंग पक्का पक्का पक्का। सो दिस इज फॉर द पीपल हु ऑलरेडी हैविंग ना, तो आप 7 डाउट्स पूछोगे तो आपको प्लस 1 मंथ का और मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन विद क्रिएटिव कॉर्नर ऑफ कोर्स। ठीक है, क्रिएटिव कॉर्नर, हाँ पढ़ा रही हूँ अनु। यस, सो यू कैन आस्क योर डाउट्स। फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अब बारी है सेकेंड पार्ट की। ठीक है, सेकेंड पार्ट की बारी है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। हैप्पी होली राहुल, हेलो शिल्पी। अब क्या हुआ, जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर क्लेंच इन एन इनफेंटाइल थ्रिल एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन कम आउट विद अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड द पॉइंटेड व्हाइट हैड ही सेड। बेटा उसने किसका डिस्क्रिप्शन दिया, उसने डिस्क्रिप्शन दिया विजार्ड का, कि अब विजार्ड उसके सामने आ चुका था। अभी बताया ना कि जब भी कोई भी रॉजर्स कंग को प्रॉब्लम होती थी वो उसको ओल्ड ओल्ड आउल के पास, वाइज आउल के पास भेज देता था, वाइज आउल उसको विजार्ड के पास भेज देता था। वाज इज इट वाज देयर व्हाट यू स्मेल ऑफुल, द विजार्ड वॉइस वाज वन ऑफ द जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स। ऐसी बेटा वो भी बोलती थी। हेलो मनीष, हैप्पी होली। हेलो नीरज, हैप्पी होली। हेलो सुशांत, हैप्पी होली एवरीबॉडी। हेलो साक्षी, हेलो राहुल, हेलो मोहित। चलो, सो उसने बोला व्हाट, उसने कहा यू स्मेल ऑफुल। विजार्ड ने बोला तुम्हारे पास से कितनी बदबू आ रही है रॉजर्स कांग। द विजार्ड की जो वॉइस थी बेटा, उसके फादर ने थोड़ा सा डेप्थ लाने के लिए उसको ऐसे करके बोले शुरू किया, वो 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 लाइक जैसे विजार्ड बोलते हैं, राइट। एंड ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ विनिंग थ्रू द आईज व्हिच फेल फॉर द इंटरवल रूमी, है ना। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। अब क्या हुआ, लाइक व्हाट्स ऑन द फेस। हैप्पी होली एवरीवन, दिस इज फॉर द होली। ठीक है, हेलो सुशांत, मेरे फेस पे क्या हुआ है, कुछ हुआ नहीं है मानवी, इट्स लाइक द स्टिकॉन्स आई पुट, थोड़ा होली का फील आ जाए, हटा दिया, कुछ हुआ नहीं है। आई नो रॉजर स्कंक सेड एंड द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी द इनॉर्मस व्हाइट हाउस। व्हाट इज इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब होता है बिग, लार्ज, ठीक है, इनॉर्मस मतलब बड़ा। ठीक है, जो एक बड़ा सा समझदार उल्लू था उसने बोला कुड हेल्प मी, तो उसने बोला मुझे आपके पास भेज दिया, उसके मुझे आपके पास भेज दिया। डोंट गेट टू क्लोज, उसने बोला मेरे पास मत आओ, दूर जाओ, बदबू आ रही तुम्हारे पास से। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिकल थिंग्स विच जंबल्ड अप टुगेदर इन द बिग डस्टी हीप बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। उसके घर पे इतना सारा सब चीजें पड़ी हुई थी, राइट, मतलब एक मैजिकल सी डस्ट पड़ी हुई थी क्योंकि उसके पास कोई सफाई करने वाला था ही नहीं, तो उसका घर भी काफी ज्यादा मैसी था। व्हाई व्हाई व्हाई, बिकॉज ही वाज अ विजार्ड एंड ही वाज वेरी ओल्ड मैन। विल ही डाई, नो विजार्ड्स डोंट डाई। उसने पूछा क्यों 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 पापा, ऐसा क्यों, क्योंकि वो विजार्ड था, वो बहुत बूढ़ा था, क्या वो मर जाएगा। उसके पापा ने कहा नहीं नहीं नहीं, विजार्ड्स मरते नहीं है। वेल ही रमज अराउंड एंड फाइंड डाउन द, रमज मतलब क्या होता है बच्चा, उसने ऐसे करके टटोला, है ना, उसने ऐसे करके सर्च किया, है ना। ही रमेज अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, उसने एक बड़ा सा डंडा लिया, है ना, उस पे वो, उसका नाम था मैजिकल वांड, है ना। मैजिकल वांड क्या होता है बच्चा, हाँ मैं सारे चैप्टर्स का रिवीजन करा रही हूँ बेटा, हाँ प्लीज आस्क मुकद्दस, बोलिए बेटा मुस्तफा। ठीक है, उसने ऐसे डंडा मारा उसके, रॉजर्स कंग के। What he want to smell like? And उसने पूछा तुम कैसा smell करना चाहते हो? तो उसने बोला roses, है ना? Roger thought and said, उसने सोचे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो बताते हैं हम कैसे होगा हमारी खुशबू। तो उसने बोला roses की तरह smell करना है मुझे, गुलाबों की खुशबू जैसा। Yes, good. जो said smugly, हाँ मजा आएगा पापा, अगर वो रॉजर्स कंग की स्मेल जो होगी वो ना, अगर वैसी होगी roses जैसी, है ना, जादू की छड़ी। यस 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 यस, ठीक है, हेलो तनुप्रिया, ठीक है, यस। तो उसने जादू की छड़ी घुमाई, उसने बोला कि कैसे, हेलो हेलो, हाँ हैप्पी होली बच्चा। उसने बोला रोज़ेस की तरह स्मेल होनी चाहिए। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विज़ार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, अब्राकडाब्रा होकस पोकस एंड रॉजर्स कांग, हाउ डू यू रोज़ेस बोज़ेस पुल इन योर रॉजर्स कांग, यू नेवर फियर बिंगो। ऐसे कहकर उसने बोला, क्या बोला उसने, है ना, अब्राकडाब्रा होकस पोकस एंड रॉजर्स कंग, हाउ डू यू डू रोज़ेस बोज़ेस पुल इन ईयर एंड रॉजर्स कंग, यू नेवर फियर। ऐसे करके उसने कुछ मंत्र बोले और ऐसे करके कर दिया,
राइट एंड बिंगो है ना. सिल क्या होता है बच्चा, अ शेल्फ और अ स्लैब. जैसे हमारे घर में स्लैब होती है ना जिसपे सामान रखते हैं, स्टोन की हो सकती है, वुड की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, ओपनिंग ऑफ द डोरवे के पास होती है, कभी कभी देखा होगा अपने स्लैब. हेलो सुभजीत, हैप्पी होली. ठीक है, क्लेंच मतलब क्या होता है, ऐसे क्लोज इन अ टाइट बॉल. इन्फेंटाइल मतलब चाइल्डिश, बच्चों की तरह बात कर रहा था वो, राइट. अब देखिए समझिए इसको क्या था. क्रंचिंग मतलब क्या होता है, मेकिंग अ लाउड नॉइज, क्रंचिंग नॉइज, कच 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 कच. जैसे आप कुछ खाते हो ना, मैम इस चैप्टर में से ही क्वेश्चंस टू टाइप, दो टाइप में बना कर दे दिए थे एग्जाम में, कैसे लिखेंगे. ठीक है, मैं बताऊंगी मैं क्वेश्चंस कैसे लिखेंगे. डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी. हाँ इंग्लिश में भी होता है बच्चा. हेलो सानिया, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. ठीक है, सो बी आई विल टेल यू हाउ यू राइट दिस, कैसे आप लिखोगे इसके आंसर्स. विनिंग मतलब क्या होता है, मतलब मेकिंग अ लॉन्ग ऐसे करके आवाज निकाली उसने, करके. रूमी मतलब वॉटरी, रूमी मीन्स वॉटरी. अब थोड़ा समझिए इस चीज को. जम्बल्ड मतलब क्या होता है, मिक्सअप है ना. हीप मतलब बेटा ढेर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे अगर मैं चीज रख दू दिस इज कॉल्ड एज हीप है ना. इसके ऊपर मैं एक और चीज रख दू तो दिस इज कॉल्ड एज हीप है ना. ढेर, किसी भी चीज का ढेर को बोलेंगे हीप. ठीक है चलो. एंड रमेज मतलब क्या होता है बेटा, सर्च, खच खच खच. जब आपको कुछ चीज ढूंढनी होती है, आप उन्हें अलमीरा में जाते हो है ना, अलमीरा में जाते हो तो क्या होता है, कुछ मिलता ही नहीं है ना, तो आप ऐसे करके फेंकते हो ना कि यार वो कहाँ गया, वो कहाँ गया. तो दैट इज कॉल्ड एज सर्च करने को बोलते हैं रमेज. स्मगली मतलब मजा आ गया, अगर वो उसकी स्मेल रोजेस जैसी हो जाएगी, मतलब ही वाज शी वाज सैटिस्फाइड है ना, जो वो सैटिस्फाइड किया, अरे वह मजा आ जाएगा है ना. अब देखिए ट्रांस मतलब क्या होता है बेटा है ना, मतलब कभी कहते हैं ना आधे जगह पे हो तुम, तो हाफ कॉन्शियस हो है ना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस. गेज मतलब ऐसे करके उसने स्टेडिली उसको देखा, घूरा है ना, घूरने को बोलते हैं गेजिंग. ठीक है, हेलो शीतल, हेलो हेलो राकेश बेटा. स्पेल्स बोलते हैं मंत्रा को इंग्लिश में, अजय स्पेल्स बोलते हैं बेटा. अनु अनु स्पेल्स. ठीक है, चैंटेड मतलब होता है बेटा बोलना है ना, सिंग सॉन्ग टोन में बोलने को बोलते हैं चैंटेड. थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच. सब दिन क्लास रहेगी, क्लास की छुट्टी नहीं है. ठीक है, अब देखो क्या हुआ, समझिए इसको. ये एक्सप्लेनेशन है बेटा, उस पैराग्राफ का जो हमने पढ़ा ना, उसका एक्सप्लेनेशन है ये. ठीक है, टू मेक द साउंड इफेक्ट ऑफ हाउ द स्कंक नॉक्ड द डोर, जैक नॉक्ड ऑन द विंडो सिल. जो विंडो की सिल थी ना बेटा, आपने देखा होगा विंडो के बीच में ऐसे करके ना, ऐसे करके लगी होती है. जैसे ये सपोज विंडो है तो उसके बीच में ग्रिल्स लगी होती है, देखा है आपने, विंडो के बीच में ग्रिल्स लगी होती है ना, उस पर उसने ऐसे करके टकटकाया तो उसको आवाज आई कि कैसे जैक ने उसे करके दिखाया कि जो, ताकि मतलब पता लगे उसको कि रॉजर स्कंक ने कैसे उसको करा होगा है ना. हेलो प्रिया. ठीक है, ऐसे करके उसने खटखटा के दिखाया उसको. एंड जो वॉज वेरी थ्रिल्ड है ना, जब आप किसी चीज को करके दिखाते हो तो बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, राइट. स्मॉल चिल्ड्रन इफ यू विल टेल देम कि अगर ऐसे हुआ था, पता है ऐसे हुआ था, अगर हम उनको दिखा दो तो दे एंजॉय द एक्सपीरियंस, राइट. जैक कंटिन्यूड दैट द ओल्ड मैन विद अ व्हाइट बियर्ड, उसकी बॉडी सी व्हाइट कलर की दाढ़ी थी और उसकी ब्लू पॉइंटेड हैट थी, वो बाहर आया, वो उसने बाहर आके देखा कि कौन है. देन जैक मेड हिज फेवरेट साउंड इफेक्ट एंड कंटिन्यूड दैट विजार्ड आस्क्ड रॉजर व्हाट ही वांटेड एंड व्हाट ही हैड अ वेरी बैड ओडर स्मेल. उसने बताया कि बेटा बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है तुम्हारे पास से. और तुम, उसने पूछा कैसी स्मेल चाहते हो तुम है ना. देन टू दिस रॉजर रिप्लाइड दैट ही न्यू दैट ही स्मेल्ड बैड एंड टोल्ड हिम कि जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ सब मुझसे भाग जाते हैं, सब मेरे से दूर चले जाते हैं. जैसे जियान जाता है कहीं भी तो जियान से सब भागो, जियान आया, वैसे भागो, रॉजर आया, बदबू लाया. बिकॉज ही यूज्ड टू स्मेल really bad. He used to smell really bad. He also told the wizard that the wise owl had told him that he could help him. ठीक है, हाँ ये second part है मनीष, this is second part. ठीक है, उसने बोला कि भाई मैं एक wise owl, एक समझदार उल्लू के पास गया था. समझदार उल्लू,
वाइज आउल ने मुझे बोला कि तुम ना विजार्ड के पास जाओ, विजार्ड ही तुम्हारी हेल्प करेगा. देन द ओल्ड मैन रिप्लाई दैट मे बी ही कुड आस्क रॉजर्स कम टू फॉलो हिम इनसाइड एंड नॉट गेट टू क्लोज. मैंने चल ठीक है तुम अंदर आ जाओ पर तुम मेरे पास मत आओ, तुम थोड़ा दूर रहो, तुम्हारे पास से बहुत ही गंदी बास आ रही है. ठीक है, बहुत गंदी बास आ रही है तुम्हारे पास. हाँ वाइज उल्लू शीतल. हाँ देन जैक डिस्क्राइब्स हाउ द हाउस ऑफ द विजार्ड रियली वाज. जो उसका हाउस था बेटा बहुत ही ज्यादा मेसी था, वेरी वेरी मेस, इट वाज अ मेस. ठीक है, क्योंकि अंदर से कोई सफाई वफाई थी नहीं बेटा, है ना, इट वाज रियली डर्टी फ्रॉम इनसाइड, बहुत ज्यादा गंदा था. ठीक है, एंड बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ क्लीनिंग लेडी, मतलब उसके पास कोई सफाई करने वाला इंसान नहीं था, तो उसका अंदर से घर बहुत ज्यादा गंदा था. टू विच जो आस्क्ड दैट व्हाई वाज इट सो, उसने बोला कि यार ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा क्यों हुआ पापा. देन ही रिप्लाइड दैट बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड एंड ही इज ऑल्सो अ विजार्ड, ही डिड नॉट रिक्वायर एनी क्लीनिंग. उसने बोला कि भाई वो तो क्लीनिंग की उसको जरूरत ही नहीं, वो तो जादूगर है, वो तो ऐसे करेगा, डंडी घुमाएगा, अपनी मैजिकल वैंड घुमाएगा तो उसका कमरा साफ हो जाएगा. अगर किसी ने भूतनाथ देखी है तो ये समझ में आ रहा होगा उसको. हेलो अनु, गुड इवनिंग बच्चा, वेलकम टू द क्लास. लाइक द सेशन एवरीबॉडी, गाइज लाइक द सेशन ऑल ऑफ यू. हैप्पी होली एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हेलो 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 एवरीबॉडी. नहीं रेनू, मैं अभी बता ही रही थी इनफैक्ट कि 2000 मतलब अप्रैल से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं. अप्रैल से मैं भी आपको आप लोग के सैंपल पेपर्स ही देख रही थी बेटा, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स, शॉर्ट समरीज, एनसीईआरटी वन शॉट, ये सब चलेगा आपका. ठीक है, ये सब चलेगा. देखा था ना आपने कि भूतनाथ में उसने से करा तो पूरा कमरा साफ हो गया, कपड़े सूख गए. हैव यू सीन दैट मूवी, राइट? तो उसने बोला वो तो विजार्ड है, उसको क्या जरूरत है, वो तो जादू करेगा, उसको भी सही हो जाएगा सब कुछ, है ना, उसका कमरा साफ करने की किसी को कोई जरूरत ही नहीं है. देन जो ने अगेन क्वेश्चन पूछा एंड आस्क दैट वुड द विजार्ड डाई, टू विच जैक रिप्लाइड विजार्ड्स नेवर डाई. उसने क्या बोला, हेलो अभिषेक, उसने बोला कि विजार्ड्स कभी नहीं मरते, राइट, विजार्ड्स कभी नहीं मरते. हाँ वो वाली भी वीडियोस जो रह गई थी बेटा वो भी होंगी. यस यस यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग रेनू. मैंने बोला था मैं करवाऊंगी बच्चा, मैं करवाऊंगी, अप्रैल से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एंड देन द विजार्ड स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर समथिंग एंड टुक आउट एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड द मैजिक वैंड, है ना, मैजिक वैंड, जादू की छड़ी. राकेश हैप्पी होली बच्चा, सेम टू यू. हेलो नंद किशोर, मानवी, मैं आती हूँ बेटा 6 PM पे लाइव आती हूँ और 8 PM पे लाइव आती हूँ, सेम चैनल पे बेटा. 31st तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का, 31st मार्च. शुड विजार्ड बचा है आपका, ऑन द फेस बचा है और आपका एडवांस बचा है, 3 चैप्टर बचे हैं. ठीक है, राइटिंग सेक्शन की मैराथन मैंने कल ली थी बेटा, अगर जिसको भी डाउट हो आप जाके एक बार वीडियो देख सकते हो, चैनल पे है. हेलो अमित, हाँ डेली. ठीक है, He asked Roger that what he wanted to smell like. उसने बोला तुम क्या चाहते हो, तुम्हें कैसी स्मेल करनी है. तो उसने बोला roses की तरह. जो was very happy. जो कौन थी बेटा, जो was daughter, है ना, जो जो थी बेटा वो छोटी बच्ची थी, वो daughter थी. और उसने कहा वाह पापा मजा आ गया, अगर हमें रॉजर स्कंक की स्मेल roses जैसी हो गई तो उसके बहुत सारे दोस्त पड़ जाएंगे. नहीं नहीं मैं यहां पर भी करवाऊंगी बच्चा, डोंट वरी. यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी बेटा, आई विल टीच ऑन यूट्यूब, डोंट वरी, है ना, मैं तो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी आपको. अब उसने बेटा मैजिकल वर्ड्स कहे, आब्राकाडाब्रा, हिक्को पिक्को, है ना, एंड रॉजर्स कांग, डोंट गिव, है ना, ऐसे करके उसने कुछ बोला, कुछ वर्ड्स बोले उसने. नाउ व्हाट हैपेंड, ही पॉज्ड एट अ रैप्ड एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नोस्ट्रिल, फोर्सिंग हर आईब्रो अप एंड लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रिन, ऐसे करके, क्योंकि उसको बहुत ही लगा. पेनीज एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल टू रिकॉग्नाइज दिस वाइफ फीनिंग प्लेजर एट द कॉकटेल पार्टीज. नाउ व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ वहां पर, एंड ऑल ऑफ द सडन ही विस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस. रोजेस, रॉजर फिश क्राइड, रोजेस, हाउ कम द स्मेल लाइक रोजेस, है ना. जैसे वो घर लौट के गया तब क्या हुआ, ठीक है,
वाइडन आउट मतलब मुंह खुला का खुला रह गया। अभी समझाऊंगी मैं, सारे दिन ही समझाऊंगी। वाइडन आउट मतलब अंजलि मुंह खुला का खुला रह गया। एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी, दैट विल बी 7 पेनीज। उसने बोला 7 पेनीज लाओ। डैडी व्हाट, क्या रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। अब बेटा उसने गलती से बोल दिया रॉजर फिश, पापा नींद में थे, बेटी को नींद आ नहीं रही, तो रॉजर स्कंक की जगह पे उसने बोल दिया रॉजर फिश। दिस योर कम, दिस कम्स एज योर एमसीक्यू, ये शाम को एमसीक्यू में आएगा बच्चा। क्या हुआ तनुप्रिया, वही आईडी यूज कर बेटा मानवी, मैंने कल ही बेटा राइटिंग सेक्शन का मैराथन लिया, एक बार आप चैनल पे जाके चेक कर लो वीडियो है ना। वैसे आपका थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू सो मच, हैप्पी होली टू यू टू। बेटा आप जाके एक बार चैनल पे बच्चा सर्च करो, ठीक है, आपको चैनल पे आपको राइटिंग सेक्शन की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, ओके। मेरी टेलीग्राम आईडी है बच्चा आप लोग का यही है, फिनिक्स लाइव मी चैट डेली, और वैसे यू कैन गो फॉर फिनिक्स ब्रेन गेन, यहाँ भी जुड़ सकते हो, फिनिक्स ब्रेन गेन, ओके। गुड इवनिंग मान्या, हाँ आज जो एमसीक्यू का आप लोग का 8 o'clock बजे 8 PM पे बेटा आप लोग का एमसीक्यू सेशन है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगी शुड विजार्ड के और पढ़ाऊंगी एनिमी के, एनिमी और शुड विजार्ड के। लाइक द सेशन एवरीवन, गाइस लाइक द सेशन, समझ में आ रहा है तो लाइक द सेशन करो फटाफट। एनिमी और शुड विजार्ड हिट के मॉमी के आज मेन मेन एमसीक्यू कराऊंगी मैं 8 बजे, ठीक है। उसने बोला डैडी आपने गलत बोला, आपने रॉजर स्कंक को बोल दिया रॉजर फिश। पापा वो रॉजर फिश थोड़ी था, वो तो रॉजर स्कंक था, है ना। अब उसने उसकी गलती पकड़ ली। हेलो प्रकृति, कौन सा क्वेश्चन दोबारा बता दो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, यहां से मनीष एमसीक्यू आता है बच्चा, डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। हाँ मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आगे वाले पेज पे समझाऊंगी, ठीक है, एक सेकेंड इसके आगे। हेलो श्रीलेखा, देखो इसमें ना क्वेश्चन क्या आता है बच्चा कि पापा ने जो उसके डैडी थे जैक जो था बेटा, उसने क्या बोला था रॉजर स्कंक की जगह, स्टोरी सुनाते सुनाते उसने क्या बोला था, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक, रॉजर फिश। तो बेटा इसका आंसर है रॉजर फिश, ठीक है, इसका आंसर क्या है रॉजर फिश, समझ गए, यहां समझ में आया। उसने रॉजर स्कंक की जगह पे बोल दिया था बेटा रॉजर फिश, गलती से उसने रॉजर स्कंक की जगह पे बोल दिया था रॉजर फिश। उसने बोला डैडी व्हाट, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, है ना, आपने गलत बोला था बेटा, है ना, आपने गलत बोला था। पापा रॉजर स्कंक था, वो रॉजर फिश थोड़ी था। हाँ स्कंक स्कंक, ये स्कंक संग, और स्कंक कौन होता है बेटा, कैट जैसा एनिमल होता है, कैट जैसा एनिमल होता है, राइट। यू सेड रॉजर फिश, Wasn't that silly? Very silly of your stupid old daddy, है ना। उसने बोला पापा कितने बेवकूफ हो आप, है ना, यू आर सो सिली पापा, है ना, रॉजर स्कंक था पापा, वो रॉजर फिश तो नहीं था। Where was I? उसने बोला मैं कहाँ था। अब पापा भूल चुके थे, पापा को बहुत तेज नींद आ रही थी, और उससे ज्यादा है ना जैक जो जो थी, she was very much excited about the story, वो सो ही नहीं रही थी। Well, you know about the pennies? Say it. ओके रॉजर स्कंक सेड, पापा को बता रही कि पापा पेनीस के बारे में बता रहे थे आप ना, करेंसी के बारे में बता रहे थे, हाँ वहां थे आप। बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, और उससे मांगी कितनी पेनीज थी बेटा। विजार्ड ने, ये भी आपस क्वेश्चन आता है बेटा, विजार्ड ने रॉजर स्कंक से कितनी पेनीज मांगी, तो 7 पेनीज मांगी थी। देखो रॉजर स्कंक से उसने कितनी पेनीज मांगी बेटा, सेवन पेनीज मांगी उससे, पर उसके पास कितनी थी बेटा। बेटा इसका मैं अभी आपको समझाऊंगी, इसका मैं समझाऊंगी, इसका आगे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है बेटा। हाँ बेटा जैक स्टोरीज बना के सुना रहा था, एंड ही बिगिन टू क्राई, वो रोने लगा क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 पेनीज थी 7 में से। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, अब जो भी रोने लग गई कि पापा यार ये क्या था, पापा ये कैसे हो गया, पापा उसके पास 4 पेनीज थी सिर्फ, है ना,
तो उसने 7 पेनीज कहाँ से लाएगा बेटा? एंड बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी दिस अनॉयड जैक। उसने बोला चुप हो जाओ तुम, डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, मतलब फर्नीचर खिसकाने की आवाज आ रही थी। क्लेयर शुड नॉट बी मूविंग हैवी थिंग्स, शी वाज 6 मंथ्स प्रेग्नेंट। वो कितने मंथ्स प्रेग्नेंट थी बेटा? 6 मंथ्स प्रेग्नेंट शी वाज। हु वाज क्लेयर? क्लेयर बेटा जैक की वाइफ थी, जो की ममा थी, ठीक है, जो की ममा थी वो, ठीक है। वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी एंड शी वॉज कैरिंग देयर थर्ड चाइल्ड। दो बच्चे उनके ऑलरेडी थे, थर्ड चाइल्ड शी वॉज प्रेग्नेंट विद, ठीक है। इट वुड बी देयर थर्ड थर्ड चाइल्ड था वो। सो द विजार्ड सेड, ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स एंड टुक लुक डाउन द मैजिकल वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज। अब उसने रास्ता भी बताया, उसने रास्ता भी बताया कि तुम एक गली में जाओ, फिर तुम मुड़ जाना, टर्न करना बेटा, वहां पर तुम्हें एक कुआं मिलेगा, कुआं के साइड में 3 बार तुम चक्कर लगाना कुएं के अराउंड, है ना, और वहां पर तुम्हें 3 पेनीज मिल जाएंगे। तुम्हें 3 पेनीज, पेनीज मतलब होता है बेटा करेंसी, यस अमृत, पेनीज मतलब होता है करेंसी, है ना। हरी अप, सो रॉजर्स कंग वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स एंड देयर मैजिकल वेल देयर 3 पेनीज, और उसमें बेटा 3 पेनीज थी। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड। वो उसके पास 3 पेनीज लेके चला गया, 4 पेनीज उसके पास थी, उसने मांगी थी 7 पेनीज, तो 3 पेनीज बेटा उसको वहां से वेल के पास से मिल गई। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही रैन आउट इन द वुड्स एंड द अदर लिटिल क्रिएचर गैदर्ड। उसके पास से इतनी अच्छी खुशबू आ रही बेटा, सब लोग उसके पास आके खड़े हो गए, रॉजर्स कंग वाओ कितनी सही हो तुम, है ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही तुम्हारे पास से, राइट। एंड दे प्ले टैग, वो पकड़ पकड़ाई, टैग मतलब क्या होता है बेटा, पकड़ पकड़ाई खेलते ना आप लोग बचपन में, बेसबॉल खेल रहे थे वो लोग, है ना, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर, पिकअप स्टिक्स, ये सब खेल रहे थे, ठीक है। नाउ व्हाट पिकअप स्टिक पापा? वो तो बोला पिकअप स्टिक क्या है पापा? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स लाइक द विजार्ड मैजिक फोन। उसने बोला जैसे वो विजार्ड की वो मैजिकल वाली जादू की छड़ी थी वैसा, kind of, and they played games and laughed all afternoon. It began to get dark and they all ran home with their mommies. अब वो क्या कर रहा बेटा? वो खाने के बारे में बता रहा था कि अब उसने क्या खाया। Wrapped मतलब क्या होता है बेटा? Completely fascinated मतलब वो एकदम डूब चुकी थी स्टोरी में, है ना। Nostrils मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर देख रहे हो आपके दो नोज के ऐसे करके जो होल्स होते हैं, जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती है, उसको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, है ना, उसको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। ग्रिन मतलब हाँ, जब आप बड़ा सा हंसते हो दैट इज कॉल्ड एज ग्रिन, है ना, जैसे प्रीमोलर टू प्रीमोलर जो आपकी स्माइल होती है ना, आई थिंक नीट वाले बच्चे समझ रहे होंगे प्रीमोलर टू प्रीमोलर, जैसे अभी मान्या हंस रही है वैसे, ठीक है। हाँ जी, क्रैंकी मतलब चिड़चिड़ा। क्रैंकी वर्ड हमने पढ़ा था बेटा एम हैमिल के कॉन्टेक्स्ट में। एम हैमिल वॉज वेरी क्रैंकी विद हिज रूलर, है ना, वो काफी बैड टेम्पर्ड थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, काफी चिड़चिड़ टाइप के टीचर थे, राइट। हेलो आस्था, है ना, है ना अंजलि। रंबल मतलब होता है बेटा जूम, जब आपके फर्नीचर खिसकाते हो ऐसे आवाज आती है, अभी मेरे नहीं आ रही, बस जब आप किसी चीज को पुश करते हो फर्नीचर को स्पेशली तो आवाज आती है ना, दैट इज कॉल्ड एज रंबल्ड, ठीक है, रंबल्ड, ओके। चलो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो वो फर्स्ट पेज सेकंड पेज जो भी आप कह रहे थे बेटा वो सारा यहाँ लिखा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, देन ही रिलेट द फेस। अब वो रिलेट कर रहा था बेटा कौन, ही कौन है यहाँ पर, जैक। जैक कौन है बेटा? फादर। When father was relating, he relates the face that his daughter made to that or to of his wife, है ना? अपनी wife के लिए बेटा, उसकी daughter जैसे करके मुंह बना रही थी बेटा, she made such face when she pretended to be enjoying a cocktail party. जब वो ऐसे करके cocktail party enjoy करती थी, जैसे वो face बनाती थी ना वैसी, बिल्कुल जो भी वैसा ही face बना रही थी अपनी मामा की जैसा, है ना। एंड देन ही कंटिन्यूज दैट द होल हाउस ऑफ विजार्ड वॉज फिल्ड विद द फ्रेग्रेंस ऑफ roses, है ना, was filled with the हाँ बेटा dragging also, yes yes yes, ठीक है, was filled with the fragrance of roses। और उसने बताया उस अब जो थी वो इतनी ज्यादा खुश थी, she was like smiling कि पापा क्या सच में रॉजर्स कंग की स्मेल चेंज हो गई पापा, क्या है, क्या रॉजर्स कंग की स्मेल चेंज हो गई क्या? तो उसने बोला हाँ बेटा वो अब now he was smelling like that of a roses, है ना, तो she was very happy, she was। रमेश यादव बेटा कल हो गया राइटिंग सेक्शन, एक बार जाके वीडियो चेक कर लो बेटा, मैंने कल कराया राइटिंग सेक्शन की मैराथन, एक बार जाके वीडियो चेक कर लो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लेलिस्ट भी है, एक बार आप चेक करो जाके,
ठीक है, चैनल पे एक बार चेक कर लो, फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो मैं अप्रैल से रिवीजन कराऊंगी फिर से। हेलो कनक, ठीक है। नाउ शी वॉज वेरी हैप्पी, उसने बोला कि पापा क्या सच में ऐसा हो गया था? बार बार वो कंफर्म कर रही थी, बाय मिस्टेक ही चेंज द एनिमल टू फिश। अब उसने स्कंक की जगह पे क्या बोल दिया था? उसने स्कंक की जगह पे फिश बोल दिया था। तो अब जो वॉज वेरी मच क्यूरियस अबाउट द स्टोरी, उसने बोला पापा वो रॉजर स्कंक था, फिश थोड़ी था पापा। हाउ फुलिश, पापा कितने बेवकूफ हो आप। जो करेक्टेड हिम एंड ही सेड दैट इट वाज रियली सिली ऑन हिज पार्ट टू कॉल हिम फिश इन प्लेस ऑफ स्कंक। उसने बोला हाँ मैं भूल गया, कितना बेवकूफ हूं मैं, राइट। फ्रेग्रेंस मतलब होता है बेटा खुशबू, जैसे आप परफ्यूम लगाते हो, फुस 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 फुस, उसके कहते हैं हाँ यार अंजलि कौन सी परफ्यूम लगाई है, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेग्रेंस, है ना। फूलों की खुशबू को बोलते हैं फ्रेग्रेंस, ठीक है। और खाने की खुशबू को बोलते हैं अरोमा, खाने की खुशबू को क्या बोलते हैं? अरोमा। अरे यार आज तो लग रहा है मम्मा ने ना राजमा चावल बनाए हैं, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो लग रहा है कुछ अच्छा बना है घर पे, है ना। दैट इज कॉल्ड एज अरोमा, दैट इज कॉल्ड एज। हाँ बेटा मैं इसी टाइम पे पढ़ाती हूँ, 6 PM एंड 8 PM। 6 PM पे एक क्लास होती है, दूसरी क्लास होती है 8 बजे। आज सब लोग 8 बजे वाली क्लास में आ जाना, एमसीक्यू कराऊंगी इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एटलीस्ट 100 MCQs होंगे इसके और एनिमी के मिला के, ठीक है, एटलीस्ट 100 MCQs तो होंगे। अब क्या हुआ, जस्ट देन द जैक गॉट अ बिट अनॉयड विद जोज एक्सप्रेशन एंड सडनली ही हर्ड सम फर्नीचर रंबलिंग डाउनस्टेयर। उसने बोला ओ हो यार क्लेयर क्यों फर्नीचर हिला रही है, नीचे क्यों खिसका रही है फर्नीचर, उसको नहीं करना है इतना हैवी वर्क, उसको नहीं करना, शी इज ऑलरेडी 6 months प्रेग्नेंट, शी इज ऑलरेडी 6 months प्रेग्नेंट, तो उसको इतना काम नहीं करना चाहिए। ही रियलाइज दैट क्लेयर शुड नॉट बी मूविंग हैवी थिंग्स एज शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट एंड दे वर गोइंग टू हैव देअर थर्ड बेबी। दो बच्चे उनके ऑलरेडी थे, एक का नाम था जो और दूसरे का नाम था बॉबी, है ना। जो की एज थी 4 years, बॉबी की एज थी 2 years, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अरोमा होता है अरोमा, अरनोवा नहीं, अरोमा। अरोमा मतलब होता है बेटा खाने की खुशबू। मम्मी क्या बन रहा है आज, कुछ अच्छा बन रहा है क्या घर में, दैट इज कॉल्ड एज खाने की खुशबू को बोलते हैं अरोमा, ठीक है। अरोमा, अरोमा, ठीक है। यस रॉजर्स, रॉजर्स मॉम नहीं बेटा, जोज मॉम, जैक्स वाइफ जिसका नाम था क्लेयर, मम्मा उसकी, जो जो की मम्मा प्रेग्नेंट थी, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके नाउ देन द विजार्ड टेल्स रॉजर टू गो टू द एंड ऑफ द लेन। बेटा इस गली के किनारे एंड तक जाओ और फिर टर्न ले लेना, वहां पर तुम्हें एक मैजिकल मैजिकल वेल मिलेगा, उसके 3 बार उसके वेल के चक्कर लगाना और तब तुम्हें वहां पर 3 पेनीज मिल जाएंगे। तुम्हारे पास 4 पेनीज है ना, मुझे तुम्हें देनी है 7 पेनीज, तो बची कितनी? 3 पेनीज, ठीक है ना। तो 3 पेनीज तुम्हें, जब तुम 3 चक्कर लगाओगे ना कुएं के अराउंड, तब तुम्हें 3 पेनीज मिल जाएंगी। पेनीज इज नथिंग बट करेंसी की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है ना, पैसा पैसा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, देन रॉजर डिड, निशिका समझ में आया बेटा? निशिका हेलो, निकी गुड इवनिंग, हाँ शीतल वेरी गुड, निकी निशिका आर यू देयर, कैन यू हियर मी, समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हुआ? चलो ठीक है, श्रीलेखा समझ में आया बेटा? कैन यू हियर मी श्रीलेखा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ व्हाट हैपेंड, देन रॉजर डिड एग्जैक्टली हाउ ही वाज टोल्ड। वो गया लेन के एंड तक, फिर उसने टर्न किया, यहाँ पर एक मैजिकल सा वेल था, उसके 3 बार चक्कर लगाए उसने और उसको वहां पर 3 पेनीज मिल गई, उसको वहां पर 3 पेनीज मिल गई, उसने लाके विजार्ड को दे दिया, ठीक है। ही गेव द पेनीज टू द विजार्ड एंड रैन बैक टू द वुड्स। वो फिर से फॉरेस्ट में चला गया और भाई इस बार जब वो फॉरेस्ट में गया, सब लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए, जिन जब जब वो जाता था बेटा तो सब लोग उससे दूर भागते थे, आ गया रॉजर बदबू फैलाने भागो, अब सब उसके पास आ गए थे बेटा, अब सब उसके पास आ गए थे। उसने बोला एवरीबॉडी गैदर्ड अराउंड हिम, सब लोग उसके पास आ गए थे, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। उसके पास से कैसी खुशबू आ रही थी बेटा? रोजेस की खुशबू आ रही थी, फूलों की खुशबू आ रही थी, है ना। खुशबू को बोलते हैं फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्रेग्रेंस,
ओके तो ही वॉज स्मेलिंग वेरी नाइस एंड देन दे ऑल प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स. और जैसी रात होने वाली थी बेटा सब लोग अपने घर पे चले गए अपनी मॉमीज के पास अपनी मामा के पास सब लोग चले गए. ठीक है अब क्या हुआ जो वॉज मेकिंग जो वो स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड है ना. अब उसने ऐसे करके अपनी उंगली लटकाने लगी कि अब यार नींद आ रही है. शी थॉट ऑल द स्टोरी वॉज ओवर. उसने मतलब कि स्टोरी क्या ओवर हो गई पापा. स्टोरी कब ओवर होती थी बेटा जब वो उनका डिनर डिस्कस कर लेते थे. डिनर के लिए क्या वर्ड यूज हुआ बेटा सपर. डिनर के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है सपर. सपर इज लिक्विड इन कंसिस्टेंसी इट इज द लास्ट मील ऑफ द डे एंड इट शुड ऑलवेज बी टेकन ड्यूरिंग डार्क है ना. शाम के समय लेते हैं आखिरी मील होता है लिक्विड इन कंसिस्टेंसी होता है दैट इज कॉल्ड एज सपर. फर्स्ट मतलब अब उसको ना शी स्टार्टेड मेकिंग फर्स्ट कि अरे यार यार अब तो स्टोरी खत्म हो गई यार अब कितना बोरिंग हो जाएगा यार दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट करना है ना. That is called as first karna. Jack did not like the woman when they took anything for granted. है ना? Jack को बिल्कुल भी नहीं पसंद था बेटा जब हर चीज को granted लिया. He liked them apprehensive, hanging on to the word. And now, Joe, are you listening? क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? Yes, because this is very interesting. बेटा वो moral of the story उसको देना चाहता था. Roger Skunk's mommy said, "What's that awful smell? Oh God, कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे पास से." है ना? अब तुम्हारे पास से कितनी बदबू आ रही है यार कितनी गंदी बदबू आ रही है. ऑफुल मतलब वेरी बैड स्मेल बहुत ही गंदी बदबू आ रही है. व्हाट एंड रॉजर स्कंक सेड इट्स मी मॉमी आई स्मेल लाइक रोजेस. उसने मतलब मामा ये मैं हूं और आई स्मेल लाइक रोजेस है ना. मामा दिस इज मी मैं रॉजर है ना. एंड सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट किसने तुम्हारी खुशबू को चेंज करा. एंड शी सेड द विज़ार्ड एंड शी सेड वेल ऑफ द नर्व मतलब शी वाज वेरी एंग्री है ना. उसकी मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसकी स्मेल को चेंज करके उसको फूलों की खुशबू दे दी है ना. रॉजर मदर वाज डिसअपॉइंटेड रॉजर मदर वाज सैड है ना. एंड रॉजर मदर वाज लाइक कि हु गेव यू दिस ब्लडी स्मेल लेट मी नो द नेम मुझे नाम बताओ. You come with me and we are going right back to the very awful wizard. Chalo us bevkoof wizard ke paas chalte hain. Joe sat up with her hands dabbling in the oh god aise aise kar rahi thi wo dabbling in the air matlab ki matlab ab usko dar lag raha tha ki ab uski mummy jaake marengi wizard ko hai na ki tune mere bacche ki smell kaise badli hai na. Like our mummies jaise hum log ki mama bhi lad jati hai na. Achcha तूने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया तू इतना तूने हाथ कैसे लगाया ऐसे लगे ना. उसकी मम्मी भी काफी इन्फ्यूरिएटेड हो गई थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्यूरिएटेड काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी. इन्फ्यूरिएटेड काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी गुस्सा ठीक है. बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे है ना. डैडी ने बोला बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे हर हैंड स्किटर्ड ऑफ है ना. अब वो काफी ज्यादा सैड हो गई थी बेटा. ऑल राइट ही सेड बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल रैन अवे एंड शी सेड आई डोंट केयर. उसने बोला मम्मी पर मेरे से सब लोग दूर भागते हैं मुझसे कोई बात नहीं करता मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो. उसने बोला यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विज़ार्ड. उसने बोला तुम्हारी स्मेल वैसी ही रहनी चाहिए जैसे तुम हो है ना. तुमकी किसी के लिए भी अपने आप को बदलने के लिए जरूरत नहीं है ठीक है समझ आ गया. अभी क्लियर हुआ. अब उसने क्या बोला यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विज़ार्ड. मैं उस विज़ार्ड के पास तुम्हें लेके जा रही हूं. एंड शी टुक एन अम्ब्रेला वो पोपट लाल की तरह अपना छाता भी लेके गई थी साथ में. एंड शी वेंट बैक टू रॉजर स्कंक एंड हिट द विज़ार्ड राइट ओवर द हेड. उसकी टिंडी पे उसने छाता मारा. ओए विज़ार्ड तू इधर आ तूने मेरे बच्चे की स्मेल कैसे चेंज करी बताती हूँ तुझे मैं इधर आ. उसने विज़ार्ड को बहुत मारा है ना. उसको उसने विज़ार्ड को बहुत मारा ठीक है. और ना अब ना जो जो थी वो जो स्टोरी सुन रही थी ऐसे करके है ना. उसने कहा पापा दिस इज बैड पापा ये तो गलत हुआ क्योंकि है ना. नो जो ने बोला नहीं एंड ही पुट हर हैंड्स आउट टू टच हर जिप है ना. येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ. उसने बोला पापा ये तो गलत हुआ पापा
है ना, इंस्पिरेशन कम टू हर, है ना. देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक. नो ही सेड, उसने बोला देन विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक. उसने बेटा ये चीज बोली कि आप पापा अब स्टोरी की एंडिंग ना ऐसे करो, है ना. उसने ये चाहती थी, जो ये चाहती थी बेटा, जो ये चाहती थी कि विजार्ड को, विजार्ड ने भी मम्मी को मारा. बट बेटा है ना, जैक ऐसा कभी होने नहीं देता बेटा, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी क्लेयर, है ना, कल को वो उसके साथ भी ऐसे करेगी. क्योंकि देखो बच्चों के सामने आप जैसा बिहेव करोगे वो वैसा ही सीखेंगे, राइट. तो अगर वो स्कंक की मदर की डिसरिस्पेक्ट करता अपनी बेटी के सामने, तो कल उसकी बेटी भी अपनी मम्मी की डिसरिस्पेक्ट करती, राइट. सो बेटा उसने ऐसी एंडिंग नहीं करी. The wizard said okay and Roger Skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. But the little no, Joanne ने बोला कि पापा वो जो छोटे छोटे animals थे वो जो उसके देख के दूर भाग जाते थे उनका क्या हुआ पापा. तो डैडी ने बोला shall daddy not tell you any more stories? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें stories ना सुनाऊं? It's daddy's story. Her broad face looked at him through the sifted light, astounded. Now she was very much surprised. You know? Now she was very much surprised. And she said, ki papa, you know, usse sahi chhatri se mara. Haan, beta. Astounded, matlab, she was very surprised. First, matlab, kya tha, beta, show very excessive excitement. Papa, papa, ab kya hua? Like that, na, fuss create karna. You know? Apprehensive, matlab, she was sad ki kuch bura hone wala hai. Awful means very bad. Fright means मुझे डर लग रहा है. Skittered means हल्के हल्के चलना. Move lightly and quickly, है ना, lightly and quickly. That is called as skittered. ठीक है. Underbrush means जो छोटे छोटे shrubs होते हैं बेटा. Agitation, गुस्सा, anxiety, nervous excitement, है ना. Astounded means shock, shock लगा 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 shock लगा. So now you got one more word of shock, that is astounded. ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको. नाउ व्हाट हैपेंड, जो हैड स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड विद द स्टोरी. उसने कहा ये कैसी सड़ी हुई स्टोरी है, है ना, विजार्ड ने मम्मी को मार दिया, है ना, मम्मी ने विजार्ड को मार दिया. बल्कि विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए दोस्तों, तभी चैप्टर का नाम पड़ा है शुड, है ना. तभी तो शुड बोला उसने कि क्या मम्मी को भी मारना चाहिए था. तो नो, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, है ना. दो कि जो हैड स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड विद द स्टोरी एंड वाज नो मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग आउट फॉर द विंडो. उसने बोला विंडो के बाहर नहीं देख रही हूं मैं, आई एम गेटिंग बोर्ड ऑफ द स्टोरी. शी थॉट दैट हर स्टोरी वाज ओवर. उसको लगा कि स्टोरी खत्म हो गई है. ऑन द अदर हैंड जैट डिड नॉट लाइक द वुमन हु टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. वो एकदम ध्यान नहीं रहती, तो उसको जैक को ये चीज पसंद नहीं आई बेटा. क्योंकि जब वो कोई एफर्ट कर रहा है और आप उसके एफर्ट्स को अनदेखा कर रहे हो, तो दैट इज समथिंग ही डजंट लाइक. ही डजंट लाइक, समझ आया. हाँ बेटा, उसकी मॉम चाहती थी कि उसकी ओरिजिनल स्मेल जैसी है वैसी ही रहे वो. ही लाइक द वुमन हु रिमेन्ड इंग्रोस्ड इन हिज टॉक्स, है ना. तो बेटा जो जैक था वो चाहता था कि जो भी लोग उसकी बात सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, जो की तरह नहीं कि अभी सुना और अभी नहीं सुना. देन ही अगेन कंटिन्यूड विद द स्टोरी आस्किंग जो टू बी लिटिल अटेंटिव टू व्हाट ही सेड बिकॉज ही वांट्स टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ओवर हियर, है ना. अब उसको वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा था बेटा. वो क्या मैसेज था बेटा, देखो कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. मैं इसके बाद मैसेज बताऊंगी आपको, स्टोरी की मैसेज. द मॉमी स्कंक आस्क्ड That from where was the awful smell coming from, to which Roger replied that it was him. He added that he smelled like roses. Usne bola, Mommy, it's me, Roger Skunk, and I am smelling like roses. Mere paas se to ekdam phoolon ki khushbu aa rahi hai. He added, hai na, usne bataya aise mama ko. Mommy ne bola, Oh God, kitni gandhi badbu aa rahi hai tumhare paas se, right? अब क्या हुआ, मॉमी स्कंक आस्क रॉजर दैट हु हैड मेड द स्मेल लाइक दैट, टू व्हिच ही रिप्लाइड द विजार्ड हैड डन सो. उसने बोला किसने तुम्हें ऐसी स्मेल करके दी है. उसने बोला वो विजार्ड अंकल है ना, विजार्ड अंकल ने करके दी है मुझे, है ना, विजार्ड ने. द मॉमी स्कंक गॉट एंग्री, हो चलो मेरे साथ अभी विजार्ड पे, एंड ऑर्डर्ड रॉजर टू अकंपनी हर टू द विजार्ड. उसने बोला चलो, है ना, जो चलो बेटा राइट विजार्ड के पास चलते हैं. वो छतरी लेके गई अपनी, पोपट लाल की तरह अपनी वो छतरी साथ में लेके गई, राइट. रॉजर टोल्ड हिज मॉम दैट ऑल हिज फ्रेंड रैन अवे फ्रॉम हिम. उसने बोला मेरे सारे फ्रेंड्स चले जाएंगे. मामा व्हाट डू यू वांट,
आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? Why are you doing this to me, mom? ऐसा मत करो, मेरी स्मेल को मत चेंज करवाओ, बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे दूर चले जाएंगे अगर मेरी पुरानी वाली स्मेल वापस आ गई. To which his mom replied that she didn't care. मुझे नहीं मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं कि नहीं. ठीक है, Who is पोपटलाल? पोपटलाल इज तारक मेहता को उल्टा चश्मा. वो हमेशा अपना छाता साथ में रखता है. एडिटर पोपटलाल. ओके, रॉजर टोल्ड हिज मॉम दैट हिज फ्रेंड रैन अवे फ्रॉम हिम. तो उसने बोला कि मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे फ्रेंड्स की, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे बात करें या ना करें. भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई तुम्हारा ना पहले जैसे तुम जैसे हो वैसे ही हो ना, है ना. एंड ही स्मेल जस्ट द वे अ बेबी स्कंक शुड स्मेल. उसने बोला तुम्हारी स्मेल वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक छोटे से. तुम्हारी स्मेल एक छोटे से बेबी स्कंक की तरह ही होनी चाहिए. His mom took out her umbrella and they went to the wizard's house. उसकी मामा ने अम्ब्रेला लिया साथ में और अम्ब्रेला लेके वो उसने सर पे उसके साथ गया वो विजार्ड के घर पे. उसने विजार्ड का घर को टैप किया, ठकठकाया और उसको विजार्ड ने ओपन करा डोर अपना, है ना. And the mommy skunk hit him on his head. उसने लिया अपनी छतरी और धड़ सीधा मारा उसके सर पे, विजार्ड के सर पे. विजार्ड की टोपी वो भी सवाल हो गई. उसने कहा भाई मुझे क्यों मार रही है, ये आंटी कौन है, ये मुझे क्यों मार रही है. Then Joe started imagining her own score story. अब वो अपनी कहानी की एंडिंग अपने तरीके से करना चाहती थी, है ना? She wants, अब वो क्या चाहती थी बेटा? Her own story about how wizard would hit back the mommy skunk. उसका ये कहना था बेटा. फिर उसका कहना था बेटा wizard जो है ना बदले में mummy skunk को हिट करे, है ना. पर रॉजर के फादर, है ना, जो जैक के, जैक जो था बेटा वो ऐसी एंडिंग नहीं करना चाहता था. बिकॉज अगर वो रॉजर की मम्मा की इंसल्ट कराएंगे, है ना, रॉजर के सामने, है ना, वो भी जब उसको स्टोरी सुना रहे बेटा, कल को जो भी अपनी मम्मा की डिसरिस्पेक्ट करेगी. ठीक है. सो बेटा हर फादर टोल्ड हर दैट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड एंड द विजार्ड चेंज्ड रॉजर्स कमिंग बैक टू द नॉर्मल. उसने कहा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई. ठीक है, हाँ मैं दिखा दूंगी डॉग्स, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. एंड हर फादर टोल्ड हर दैट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड एंड विजार्ड चेंज्ड रॉजर बैक टू हिज नॉर्मल स्मेल. उसने बोला रॉजर स्कंक की जैसे स्मेल थी बेटा उसको वैसे ही चेंज कर दिया गया. एंड ही डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर. उसने बोला कि ऐसे अब इसको रोजेस की स्मेल नहीं आ रही है. ओके, अब क्या हुआ? Another question was about to pop up in the little Joe's mind, but Jack stopped her. वो question पूछने ही वाली थी बेटा, उसने जैक ने उसे रोक दिया. उसने बोला कि तुम्हें स्टोरी सुननी है कि नहीं सुननी, मैं सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, मेरी स्टोरी तुम्हारी स्टोरी है. उसने बोला डैडी आपकी स्टोरी है. उसने बोला चुपचाप सुनो फिर मेरी बात. ठीक है. Now he stopped her and told her that it was his story and if she wanted to tell him to tell another more story then he should keep quiet. उसने बोला अगर तुम्हें, है ना, अगर तुम्हें चुपचाप कहानी सुननी है तो तुम सुनो, नहीं तो तुम अभी कटली मारो. ठीक है. जो kept on looking at her father with great surprise as she waited for the story to be continued, है ना. उसने बोला यहां किसके फादर की बात हो रही है बेटा? जो के फादर की बात हो रही है जिसका नाम था जैक, जो सुना रहा था स्टोरी, जो को अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा था बेटा, उसी के फादर की बात हो रही है. फादर ने बोला ये मेरी कहानी है जो, तो प्लीज जैसा है ना वैसा मुझे, जैसा बता रहा हूं वैसे बोलने दो. ठीक है. अब वो वेट कर रही थी कि कैसे कहानी का एंड होगा. दिस इज वॉट हैपेंड देन. रॉजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम एंड दे हर्ड वू एंड चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन, है ना. ऐसे करके वो ट्रेन की विसल की आवाज आ रही थी बेटा, ट्रेन की विसल की आवाज आ रही थी, सीटी की आवाज आ रही थी, ऐसे करके ट्रेन की आवाज आ रही थी बेटा, है ना. एंड डैडी स्कंक जो कि बॉस्टन से आते थे बेटा, एंड दे हैड लीमा बीन्स, सेलरी, लिवर, मैश पोटेटोज एंड पाई
ओ माय फॉर डेजर्ट, है ना। अब बेटा उसने खाना बताया कि उसने क्या क्या खाया। उसने बोला कि उन्होंने खाया लीमा बीन्स, सेलरी, लिवर, मैश पोटेटोज एंड पाई। ओ माय फॉर डेजर्ट, है ना, उन्होंने ये सारी चीजें खाई। तो दिस वॉज देयर सपर। ये क्या था बेटा, ये उसका सपर था, रात का खाना था। गॉट इट। एंड वेन रॉजर स्कंक वॉज इन बेड, मॉमी स्कंक केम एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन। उसने बोला, ओ माई लिटिल बेबी रॉजर स्कंक, तुम्हारी स्मेल तो फिर से वैसी हो गई जैसे तुम छोटे से थे तब की, है ना। एंड शी हग्ड हिम, और उसने बोला दैट शी लव्ड हिम वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रॉजर स्कंक, तुम्हें बिल्कुल भी चेंज होने की जरूरत नहीं है किसी के लिए भी, है ना। यू शुड नॉट चेंज योर सेल्फ फॉर एनी वन, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। पर डैडी, पर पापा, एक बात बताओ। उसके बाद बोला क्या क्या बताऊं। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। उसने बोला क्या पापा फिर से वो जो छोटे छोटे एनिमल्स थे वो फिर से भाग गए। नो, बिकॉज इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब फाइनली, पर अब उनको आदत हो गई थी रॉजर के साथ रहने की। इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल। उसने बोला कि जैसे, है ना, उसने बोला कि भाई जैसे तुम हो मुझे वैसी पसंद हो, तुम किसी के लिए भी अपने माइंड को चेंज मत करो। एंड दैट इज व्हाई, उसने बोला कि मैं अब वो बिल्कुल भी एनिमल्स भी उसको चिढ़ाते नहीं थे बेटा, बुली नहीं करते थे, राइट। लीमा बीन्स क्या होती है बेटा, व्हाइट कलर की, जैसे आप लोबिया खाते हो या फिर आप जैसे आप राजमा खाते हो ना, किडनी बीन्स खाते हो ऐसे करके, है ना, किडनी बीन्स होती है आप खाते हो ना, तो वैसी करके व्हाइट कलर की जो बीन्स होती है फ्लैट बीन्स, उसको बोलते हैं लीमा बीन्स, है ना। सेलरी क्या होता है बेटा, जैसे आप सेलरी इज कल्टिवेटेड बाय द पार्सली फैमिली, मतलब सेलरी मतलब जैसे आप सैलेड में डलता है और आप रॉ भी खाते हो सैलरी को, है ना, इट्स लाइक अ हर्ब, राइट। एंड इवेंचुअली मतलब फाइनली, इन द एंड में, है ना। अब क्या हुआ नेक्स्ट देखो, मतलब आफ्टर सम टाइम व्हेन रॉजर्स कंक एंड हिज मम वर बैक होम, उसकी आवाज आई हो चुक 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 चुक, है ना, वो ट्रेन की विसल थी, है ना, किसकी विसल थी, वो ट्रेन की विसल थी। एंड फादर कहाँ से आ चुके थे बेटा, फादर आ चुके थे, हेलो रमन हैप्पी होली, फादर आ चुके थे बॉस्टन से, राइट। अब क्या हुआ, देन ऑल ऑफ देम हैड लीमा बीन्स, उन्होंने लीमा बीन्स खाया, सेलरी खाया, लिवर खाया, मैश पोटेटोज खाए और पाए ओ माय डेजर्ट के लिए खाया, उसने मीठा पार्सली फैमिली, मतलब बेटा जैसे वेजिटेबल फैमिलीज होती है ना बेटा, जैसे जो आलू होता है दैट्स अ काइंड ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम, तो दैट काइंड ऑफ फैमिली पार्सली फैमिली। पार्सली होता है बेटा आपका पार्सली होता है बच्चा, धनिया होता है, अभी सीन कोरियांडर, कोरियांडर का वैसे ही होते है, पार्सली होती है जैसे आप जो ग्रीन गार्निश करते हो, है ना, दैट इज कॉल्ड एज पार्सले। ओके, सो रॉजर, रॉजर स्कंक वाज स्लीपिंग एंड मदर स्कंक केम इन, मदर ने बोला कि शी हग्ड हिम, उसने बहुत सारा प्यार किया रॉजर स्कंक को एंड टोल्ड हिम कि जैसे तुम्हारी स्मेल है ना मुझे वैसे ही पसंद हो तुम, एंड शी लव्ड हिम अ लॉट एंड दिस जैक एंडेड द स्टोरी। एंड जो अगेन उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई पर एसज जयेश इसका कोई मार्क का वो नहीं है बेटा, क्राइटेरिया नहीं है बेटा, इंग्लिश में कभी भी कोई आपको एसज ब्लूप्रिंट नहीं मिलेगा, बट यस इस क्वेश्चन में से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं काफी, है ना, ठीक है। शी हग्ड हिम, उसने बोला कि यार ऐसे स्टोरी का एंड हो गया। अब जो पूछे पापा वो दूसरे एनिमल्स क्या फिर से भाग जाते हैं क्या, है क्या वो फिर से रन अवे कर जाते थे रॉजर स्कंक के साथ। उसने बोला नहीं 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 उनको अब स्लोली स्लोली वो अकस्टम हो चुके थे बेटा, नाउ दे वर हैबिचुअल स्कंक के साथ रहने के, वो ऐसे ही हैबिचुअल हो गए थे, है ना, टू द स्मेल सो दैट दे नॉट फील लाइक रनिंग अवे एनीमोर, है ना। उसने बोला कि नहीं अब ऐसा नहीं है, है ना, कि अब वो भागते नहीं थे, अब उनको आदत पड़ चुकी थी। व्हाट इवन चिल्ड्रन इन अ लिटिल व्हाइल दैट्स वाज स्टूपिड मॉमी, इट वाजंट ही सेड, नहीं 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 स्टूपिड नहीं, उसने बोला कितने स्टूपिड थी वो मॉमी, है ना। He said with a rare emphasis and believed from her expression that she's realized that he was defending his own mother to her. है ना? अब उसको इस चीज का एहसास हो रहा था बेटा। हाँ मनीष बनाऊंगी बेटा। मैं भेज दूंगी इसके नोट्स। ठीक है? उसने बोला कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। वो स्टूपिड नहीं है। तो उसको पता लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो अपनी मम्मा को
जस्टिफाई कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं. नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप. उसका मतलब अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम चुपचाप भाई सो जाओ, है ना, तुम बहुत दिमाग खा रही हो मेरा, तुम सो जाओ जाके, है ना. तो उसने उसको सुला दिया. ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, है ना, उसने कर्टन्स को सही करा ताकि बाहर से एक रे ऑफ सनलाइट भी ना आए. एंड टिप टूड टू द रूम. व्हाट इज टिप टूइंग? दबे पैर. जैसे आप रात को खाना खाने के लिए उठते हो ना, फ्रिज में से जब चोरी करते हो सामान, चॉकलेट्स पड़ी होती हैं, तो जब आप वो छुप छुप के निकालते हो, है ना, ठीक है, तो ऐसे दबे पांव चलने को बोलते हैं टिप टोड. क्या बोलते हैं? टिप टोड. ठीक है. इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप. और ऐसा वो प्रिटेंड कर रहे थे बेटा, ऐसा वो प्रतीत हो रहा था या फिर ऐसा वो दिखावा कर रहे थे कि वो शायद सो चुकी है. बट व्हेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम. और वो ऐसे करके ना उसको देख रही थी. Hey, get under the covers and fall fast asleep. उसे बोला चुपचाप सो जाओ तुम, समझ में आया तुम्हें, ठीक है, चुपचाप सो जाओ. एंड नीचे वो देखा तो काफी काम कर रही थी उसकी वाइफ क्लेयर. बॉबी इज अस्लीप. उसने बोला बॉबी देखो सो गया, तुम्हारा छोटा भाई सो गया, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम्हारी आंखों में नींद नहीं है. शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, है ना, उस जो उसका मैट्रेस था बेटा, उस पर स्प्रिंग वाले मैट्रेस था, तो ऐसे करके कूद रही थी वो, है ना. डैडी वॉट Tomorrow, I want you to tell me the story that the wizard took the magic wand and hit the mommy. Her plump arms chopped forcefully right overhead. है ना? ऐसे करके कि मैं चाहती हूँ कल तुम मुझे एक कहानी सुनाओगे डैडी, जिसमें wizard अपना डंडा निकाल के मॉमी के सर पे मारता है, है ना? उसने बोला no. That's not the story. उसने बोला नहीं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा मैं. The point is that the little skunk loved his mother more than he loved all the little animals and she knew that she was right. है ना? उसने बोला बेटा सारे मीनिंग बता रही हूँ, सारे मीनिंग बताऊंगी भी मैं, थोड़ा सा पढ़ लो, सारे मीनिंग बताऊंगी मैं. जस्ट नंदनी जस्ट गिव मी टू मिनट्स, आई विल टेल ऑल द मीनिंग्स. ठीक है, देखो उसने बोला नहीं ऐसी कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा मैं. ठीक है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा मैं. द पॉइंट इज दैट कि रॉजर्स स्कंक अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार जितना वो अपने एनिमल्स के भी नहीं करता था. राइट, सो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी. उसने बोला नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी. तुम्हें कल ये कहना है पापा, है ना, प्लीज ये पापा अभी कहोगे कि सिर्फ और सिर्फ पापा की कल विजार्ड ने मम्मी के मारा. रेयर मीन्स क्या होता है बच्चा? रेयर मीन्स समथिंग विच इज ओकेजनल, है ना, नॉट वेरी ऑफन, कभी कभी, ओकेजनल. ठीक है, एम्फेसिस मतलब बेटा किसी चीज पे दबाव देना, किसी भी चीज पे स्पेशली फोकस करने को बोलते हैं. टिप टोड मतलब दबे पैर चलना. ठीक है, दबे पैर चलना. नंदनी अब सुनो बेटा, प्रिटेंस मतलब क्या होता है बेटा? Pretense means होता है an attempt to make someone that false, है ना, pretending करना, मतलब आपको बस ऐसे pretend करना कि ऐसा है वैसा है. ठीक है, that is okay. Crouching मतलब होता है बेटा ऐसे करके, she was just, है ना, जैसे हम लोग ऐसे करके सोते ना बैठते ना, that is called as crouching, है ना, जब आप ऐसे करके बैठते हो that is called as crouching. और gingerly का मतलब होता है बेटा in a careful or cautious manner, है ना, एकदम से नहीं 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 पापा आप कल ऐसी कहानी सुनाओगे मुझे. या ऑलराइट ऑलराइट, पापा कल आप मुझे ऐसी कहानी सुनाओगे जिसमें आप मुझे बताओगे कि विजार्ड ने मामा को मारा. When Jack said that eventually everybody started liking Roger's Skunk, Joe did not understand the word. उसने कहा कि यार ये सब बेकार कहानी है. Eventually, as she had heard it for the first time, so she asked, What's even Shelji? है ना? To which Jack told her the meaning. अब Jack ने meaning बताया even Shelji का. What is the meaning of even Shelji? But Joe thought that was mommy skunk did was right. है ना? But Joe thought that what mommy skunk did was right and said that what the mother skunk did was stupid. उसने बोला, है ना? उसको लगा कि यार जो mommy skunk ने किया Did was not right. जो भी उन्होंने कहा वो सही नहीं था, right? And rather it was stupid. But Jack took it personally and said no, because somewhere he was relating it to himself and defending his own mother. है ना?
कहीं ना कहीं वो अपनी मदर को रिलेट कर रहा था कि कैसे मैं उसकी मदर की बेइज्जती कर दूं, अगर मैं रॉजर स्कंक की मदर की बेइज्जती करूंगा इसके सामने, जो के सामने, तो कल को ये अपनी मदर को डिसरिस्पेक्ट करेगी, कल को ये क्लार की रिस्पेक्ट नहीं करेगी। इसलिए उसके फादर भी अड़ गए इस चीज के लिए, खत्म कर रहे हैं बेटा, है ना, कि भाई ऐसा नहीं होगा। देन जो टोल्ड जैक टोल्ड जो दैट ही वांटेड हर टू टेक अ लॉन्ग डे नैप एंड एडजस्टेड द शेड सो दैट नो लाइट कम इन। उसने बेटा पर्दे कर्टन सही कर दिए, शेड सही कर दिए बेटा, कि ताकि कोई भी रोशनी अंदर ना आए और वो आराम से सो जाए, ठीक है। ही देन वेंट वेरी सॉफ्टली टू द डोर, एक्टेड दैट वो सो गया है, बट जैसे वो देखा उसने तो शी वॉज स्टेयरिंग एट हिम, है ना, वो उसकी तरफ देख रही थी, है ना, और उसने बोला कि देखो ऐसा है ना, अपने ब्रदर को डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप सो रहा है और तुम भी चुपचाप सो जाओ, है ना। Now what happened? Then she stood up and started bouncing softly on the springs. While jumping on the springs on the bed, she asked her father to tell her the next story that wizard took her magic stick and chopped her plump arm. उसने कहा, नहीं, पापा, no. ये कहानी आप मुझे सुना के रहोगे? Then Jack explained that no, ऐसा कोई story मैं नहीं सुनाने वाला बेटा, क्योंकि the thing was that कि जो mother skunk थे वो Jack से अपने Roger skunk से काफी ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है? अब क्या हुआ बेटा? So did she kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complained of springs and she had done hundreds time before except this time she did not laugh, said it, daddy, well we'll see. Okay, कल देखते हैं, कल की बात कल देखते हैं. Now at least have rest, stay on the bed, you are a good girl. He closed the door and went downstairs. है ना? अब वो फिर से वापस से नीचे चला गया. Now what happened? Claire had spread the newspapers and opened the paint can and was wearing an old shirt of his. Top of her maternity smock was stroking the chair rail dipped with brush. अब वो चेयर को पेंट कर रही थी बेटा. Above his footstep vibrated and he called Joanne, shall I come up there and spank you? क्या तुम्हें मैं मारूं आके तुम्हारे? है ना, the footstep hesitated. That was a long story. Claire said, की बात बड़ी लंबी कहानी सुनाई तुमने तो यार उसको. तुम नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे. The poor kid, उसने बोला यार ये बेचारी बच्ची है ये. He answered with the utter weariness was his wife labor. पर वो इतना थका हुआ था उसने कोई भी हेल्प नहीं करी, है ना, कोई भी हेल्प नहीं करी उसकी. The woodwork, a cage of moldings and the rail of the baseboards around him was half old tan and half new ivory. And he felt caught in an ugly middle position and though he was well felt his wife present in the cage with him, he did not want to speak with her. Work with her, touch her, anything. अब क्या हुआ था बेटा? And heave मतलब क्या होता है? चैन की सांस लेना. Whew, finally. Stroking means बेटा, she was painting the chair. Spank मतलब चाटा मारना, है ना? थप्पड़ मारने को बोलते हैं spank. Spank. Weariness मतलब tiredness. काफी थक गया था वो. ठीक है? अब देखिए ध्यान से देखिए बेटा. Then she started throwing tantrums as she had done many times earlier. है ना? कौन tantrums? Tantrums क्या होता है बेटा? ड्रामे करना, है ना? Tantrums मतलब होता है बेटा ड्रामा करना, नौटंकी करना, right? And बहुत बार वो ड्रामे करती थी. पापा, no, 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 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. But she was not laughing. और इस time वो काफी serious थी. She was a bit stubborn. What is the meaning of stubborn? Stubborn मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा अड़ियल, है ना? अड़ियल होता है ना बेटा, अड़ियल. Fixed mind, मतलब pig headed, मतलब like बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा. Then Jack told her to be patient and sleep, that he would see it to the next day. उसने बोला चलो कल देखेंगे, ठीक है, कल देखेंगे कल क्या होगा. I don't know, कल कोई और story सुनाऊंगा मैं, ठीक है. He then asked her to stay on the bed and close the door. उसने बोला चुपचाप तुम सो जाओ भाई, है ना, disturb मत करो, Bobby already सो रहा है. Then he went downstairs and saw his wife painting the walls. अब उसकी wife paint कर रही थी बेटा. Now what happened? She had opened the paint can, spread the newspapers and was wearing an old shirt of his own maternity dress. उसने बेटा पुराने कपड़े पहने हुए थे. She was painting, है ना? She was painting the chair rail. वो chair को paint कर रही थी बेटा. Suddenly he again heard footsteps. उसको फिर से बेटा ऐसा है ना, जो अपनी बेटा टेम्परेरी चीज देख रही थी, है ना बेटा, मम्मा मतलब परमानेंट चीज देख रही थी कि अगर आज वो अपनी जो उसके पास चीजें हैं अगर उसके साथ वो एक्सेप्टेंस नहीं करेगा तो कल को वो अनहैप्पी रहेगा, है ना. तो उसकी मम्मा बेटा ठीक थी बेटा,
राइट। एंड जो थी वो ऐसे बच्चे की पर्सपेक्टिव से सोच रही थी कि उसके फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइफ में क्या होती है, टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। इफ यू कांट एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, देन नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, राइट। सो द मोटिव ऑफ मदर बिहाइंड चेंजिंग द रोजर्स कंक स्मेल्स फ्रॉम रोजेस टू ओरिजिनल वॉज दैट बिकॉज शी वॉन्ट्स हिम टू बी ओरिजिनल, है ना। शी वॉन्ट्स हिम टू बी वट एवर ही वॉज ही यूज टू बी लाइक दैट, वो वैसा ही चाहती थी कि वो वैसा ही रहे, है ना। ठीक है, गॉट इट। इसीलिए बेटा नहीं, जो गलत बोल रही थी बेटा, क्योंकि मदर जो होती है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, राइट। तो उसने बोला कि चलो वापस जाओ जो है अपने कमरे में, नहीं तो तुम्हें आके मैं वही मारूंगा, ठीक है ना। एक तुमने सोया नहीं अभी तक तुम्हें कहानी सुना रहा था मैं, तुम फिर से वापस नीचे आ रही हो। The sounds of footsteps started vanishing. वो चुपचाप अपने रूम में चली गई। Then Jack's wife told him that it was a long story that he was telling Joe, and so he replied, "The poor kid." है ना? उसने बोला कि हाँ, काफी लंबी स्टोरी थी, ये बेचारी बच्ची, है ना? And she was feeling very tired. He was feeling very tired. So he just sat and watched his wife do all the work. है ना? तो मतलब उसकी वाइफ कर रही थी बेटा सारा काम। Hello लक्षिता। And उसने देखा, उसको कुछ भी हेल्प नहीं कराई उसने। Then he started looking at the woodwork around him and started relating to his life. He was looking at it thinking that although both of them, Jack and Claire, were caught in a cage-like situation in their marriage, there was no solution to it. Neither did he want to talk to her, nor speak to her, or not touch her. Right? अब वो ऐसी सिचुएशन में थे बेटा कि वो ना तो एक दूसरे से बात कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे बेटा। मैसेज क्या मिलता है हमें स्टोरी से? What message that we get? The story raises a moral issue related to the different maturity levels. बेटा बच्चों की maturity levels अलग होता है बेटा, बड़ों की maturity levels अलग होता है, और ये काफी contrasting है बेटा। Child का opinion अलग होगा, child हमेशा short term चीजें देखेगा कि काम समय में ज्यादा मिल जाए, और जो बड़े होंगे वो permanent चीजें देखेंगे, है ना, वो temporary चीजों पे नहीं जाएंगे। तो बेटा अडल्ट पर्सपेक्टिव लाइफ में अलग होता है, चाइल्ड का पर्सपेक्टिव अलग होता है लाइफ में, ठीक है। एंड चिल्ड्रन नेवर लाइक बीइंग हेट्रेड एंड देयर इज नो वर्ड लाइक इनजस्टिस इन देयर डिक्शनरी, है ना। उनको उनके में हेट्रेड, इनजस्टिस, ये सब कोई वर्ड्स नहीं होते हैं। लाइक दे वर वेरी स्वीट, दे वर वेरी काइंड हार्टेड, है ना। हियर इन द स्टोरी रॉजर्स कंक इज अ वेरी ओबीडियंट किड, वो बहुत ही अच्छा बच्चा था। एंड ही वॉज वेरी सैड क्योंकि उसकी स्मेल बहुत गंदी थी, उसके साथ कोई भी खेलता नहीं था, नो बडी लाइक्स टू प्ले विद हिम, एंड ही फील्स ह्यूमिलेटेड, उसकी काफी बेइज्जती होती थी बेटा। एक दिन विजार्ड ने उसकी स्मेल को चेंज कर दिया और उसकी रोजेस की स्मेल आ गई बेटा, पर विच जो अदर एनिमल्स थे वो काफी खुश हो गए, उसके साथ खेलना शुरू कर दिया उसने, राइट। बट क्या हुआ नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या हुआ बेटा? However, his mother compels, उसने उसको फोर्स किया, कंपेल किया कि विजार्ड इसकी स्मेल को ओरिजिनल कर दो, अगेन फाउल, बदबूदार कर दो इसको अगेन। जो इज अ फोर ईयर ओल्ड किड कैन नॉट एक्सेप्ट दिस वर्जन ऑफ द स्टोरी एंड फील्स दैट मदर ऑन हर पार्ट इज रॉन्ग। वो चार साल की बच्ची थी बेटा, उसको ये लगा, है ना, उसको ये लगा कि उसकी मदर जो है वो गलत कर रही है। बट सो शी वॉन्ट्स द विजार्ड टू हिट रॉजर्स मदर फॉर बीइंग इनसेंसिटिव एंड क्रूअल टू हर ओन सन। अपने बेटे के साथ क्रूअल और इनसेंसिटिव होने के लिए वो चाहती थी कि जो हमारा विजार्ड है वो मदर को ही मारे, है ना। थैंक यू नंदिनी। राइट, अब क्या हुआ था बेटा? ऑन द कॉन्ट्रारी जैक वो टिपिकल फादर थे, वो जस्टिफाई कर रहे थे कि स्कंक की मदर जो है ना वॉन्ट्स हिज डॉटर टू बिलीव दैट पेरेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट। वो चाहते थे कि उनकी बेटी ये चीज मान ले कि पेरेंट्स कभी भी उसका बुरा नहीं चाहेंगे, एंड दे नो वॉट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, और उनको पता होता है कि उनके बच्चे के लिए क्या चीज अच्छा है। दस द स्टोरी रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर पेरेंट्स शुड ऑलवेज बी फॉलोड ब्लाइंडली और शुड हैव एनी लिमिट्स टू द पेरेंट्स अथॉरिटी। तो ये स्टोरी जो है वो एक क्वेश्चन करती है कि क्या हमें पेरेंट्स के ऊपर ब्लाइंड विश्वास करना चाहिए, क्या हमें कुछ सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो दिस वॉज द होल स्टोरी ऑल अबाउट, है ना, द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड यस, एक और टिप बताऊं मैं आप लोगों को। देखो, किसी भी वर्ड को हम द या दी क्यों बोलते हैं बेटा? जब हम दी बोलते हैं मतलब उसके बाद वाला वर्ड जो है वो,
जब भी हम दी प्रोनाउंस करते हैं THE को, वो तब करते हैं जब उसके आगे वाला वर्ड वाउल से स्टार्ट हो रहा है. व्हाट इज वाउल? AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे दी. उसके साथ ही इसको द पढ़ेंगे जब इसके आगे वाला वर्ड स्टार्ट हो रहा है कोई भी कॉन्सोनेंट से. द बैट, द एंड, द एप्पल. ठीक है, तो बेटा द नहीं बोलेंगे इसको, दी बोलेंगे जब भी इसके अगला वाला वर्ड जो हो रहा है वो वावल से स्टार्ट हो रहा है ना. अगर वो वावल से स्टार्ट हो रहा है AEIOU से, तो इसको क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे. ठीक है, और द कब बोलेंगे बेटा? जब इसके आगे वाला वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना. सो दैट इज योर टिप फॉर दिस होली. थैंक यू सो मच. इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू गाइज. आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली. So what are you guys waiting for? You can ask your doubts. You can unlock all the free material that is there on Unacademy by using this referral code. Spelling तो यार लिखनी पड़ेगी निशिका. You can write spellings. जो भी बड़ी spellings है उसको break करके याद करो बेटा. ठीक है? Thank you everyone. And बेटा आज 8 PM पे आप लोग की MCQ क्लास है. Enemy की, The Enemy की क्लास है और Should Wizard Hit Mommy की क्लास है. Happy Holi everybody. Thank you everybody. Thank you. You can use this referral code to get a 10% discount on your Unacademy subscription. ठीक है? And yes, Happy Holi guys. May you have a colorful Holi. May this Holi brings a lot of happiness in your life too. And along with that, it burns away all the negativity. ये सारी negativity आपकी burn कर दे. ये Holi जो है festival, it's the festival of colors. May your life be filled with lot of beautiful colors, right? And thank you so much. Happy Holi, everyone. Stay blessed. Eat lot of sweets. And yes, keep rocking. And yes, yes, yes. Hello, Soma Datta. Good evening, bacha. Welcome to the class. But sadly, class is ended. Koi baat nahi, bada. Jiski bhi class miss hui hai, jo last mein aaye, bacha baadi. 8 PM पे आइए. दिवाली स्पेशल क्विज होगा. ठीक है ना, दिवाली स्पेशल क्विज होगा. कौन सा चैप्टर का? द एनिमी का. द एनिमी का और शुड विजार्ड हिट मॉमी. शुड विजार्ड हिट मॉमी और द एनिमी का क्विज होगा. ठीक है, बाय बाय. टेक केयर. हैप्पी होली एवरीवन. बाय बाय.